चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि सर जी एम्ब्रियोलॉजी, तो हम सिस्टम की हर सिस्टम को जब पढ़ते हैं उसकी पहले एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, तो यहाँ एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने का क्या मतलब है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ थोड़ा सा कि हमने किस तरह पार्टीशन की हुई है। देखें MBBS के आपको पता है कितने हिस्से होते हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि हमारी स्टडी का प्लान क्या है। MBBS के आपको पता है कि 3 पार्ट्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 3 तो इंटरव्यू में आ जाता है, स्टेप 2 क्लिनिकल होता है, और स्टेप 1 आपको पता है बेसिक होता है। तो हमने स्टेप 1 की दो तरह की पार्टीशन की है। एक तरह से हम पढ़ रहे हैं चीज़ें जनरल यानी बेसिक्स, और दूसरी तरफ से हम पढ़ रहे हैं जी सिस्टम वाइज। ठीक है, तो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये चीज़ें सारी जनरल में, और सिस्टम वाइज हम हर एक सिस्टम को पढ़ते हैं। तो इसी तरह अगर एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजी की भी दो तरह की पार्टीशन है, पहली जनरल एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, और दूसरी सिस्टम वाइज एम्ब्रियोलॉजी। तो जो हम हर सिस्टम की पहले पढ़ते हैं वो सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी होती है, लेकिन एक जनरल एम्ब्रियोलॉजी होती है जो सिस्टमिक में नहीं आती, वो हमने पढ़नी है। इसी तरह एनाटॉमी भी जनरल एनाटॉमी पढ़ेंगे और सिस्टमिक एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं। पैथोलॉजी भी इसी तरह सिस्टमिक पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं और जनरल पैथोलॉजी भी पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी भी इसी तरह, और इसी तरह आपकी फिजियोपैथो होगी, आपकी फार्माकोलॉजी भी आपकी इसी तरह। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह होगी। बाकी जहाँ तक फर्स्ट एड की बुक की बात है, तो आपको पता है हमने फर्स्ट एड को फॉलो कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू USMLE प्लेब एनीथिंग। तो एम्ब्रियोलॉजी जो है ना, वो फर्स्ट एड की बुक में सिर्फ सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी दी गई है, वहाँ पर जो है ना जनरल एम्ब्रियोलॉजी नहीं दी गई। तो हम लोग जनरल एम्ब्रियोलॉजी खुद से कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह हम हर एक सिस्टम को, हर एक चीज़ को इसी तरह लेके चलेंगे और पूरा MBBS हम कवर करेंगे, और लेक्चर्स के नोट्स भी हमारे अवेलेबल होंगे एट द एंड ऑफ द, जब हमारा कोर्स कवर अप हो जाएगा। जैसे एम्ब्रियोलॉजी कवर होगी तो उसके नोट्स मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एम्ब्रियोलॉजी, दैट व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी होती क्या है? एम्ब्रियोलॉजी ये चीज़ है कि आपके पास स्पर्म है, एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन बता रहा हूँ, और एग होता है फीमेल के पास। ये स्पर्म और एग जब मिलते हैं, तो स्पर्म और एग का मिलना, स्पर्म और एग का मिलना, इनके मिलने के बाद जाइगोट का बन जाना या फिर एम्ब्रियो का बन जाना, ठीक है। और ये जाइगोट या एम्ब्रियो कहाँ बनता है, ये जाइगोट या फिर एम्ब्रियो कहाँ बनता है? जाइगोट और एम्ब्रियो आपको पता है कि ये फीमेल के अंदर बनते हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर स्पर्म और एग मिलते हैं, तो ये फीमेल के अंदर मिलते हैं। अब फीमेल के अंदर एम्ब्रियो का बन जाना, फिर इसी एम्ब्रियो का फीमेल के पेट के अंदर, उसके यूट्रस में, कहाँ पर? यूट्रस में 9 मंथ, कितने महीनों में? 9 मंथ तक ये यूट्रस माँ के पेट में रहता है, फीमेल के पेट में, और ग्रो करता है एक फीटस की शक्ल में। किसकी शक्ल में? फीटस की डिवेलपमेंट होती है, उसके सारे ऑर्गन बनते हैं। इस सारे की स्टडी इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। तो आसान सा है कि एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, कि स्पर्म और एग का मिलना, एम्ब्रियो या जाइगोट का बन जाना, फिर इसी जाइगोट का फीमेल के यूट्रस के अंदर 9 मंथ के अंदर जो डेवलपमेंट होती है फीटस की, फीटस बनता है, दैट इज कॉल्ड योर एम्ब्रियोलॉजी। तो ये एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन है। और इसी एम्ब्रियोलॉजी में हम देखते हैं कि जो फीटस बना है, अब इस फीटस की बर्थ होगी, इस फीटस की बर्थ होगी, तो इस फीटस की जो बर्थ होती है, उस फीटस की जो बर्थ हुई है उसमें कोई डिजीज तो नहीं है। जब बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त उस बच्चे में कोई डिजीज तो नहीं है। जो डिजीज होगी उस डिजीज की स्टडी को भी क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन थी। तो देखें जरा, इट इज द ब्रांच ऑफ एनिमल बायोलॉजी, ठीक है, विच डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स यानी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एंड प्रीनेटल, यानी प्रीनेटल बोलते हैं बर्थ से पहले, अभी बच्चे की बर्थ नहीं हुई, बर्थ से पहले जब तक वो फीमेल मदर के पेट में है तब तक उसकी प्रीनेटल डेवलपमेंट होती है, तब तक बच्चे को प्रीनेटल बोलते हैं, बिफोर बर्थ। प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ फीटस फ्रॉम सिंगल सेल और फ्रॉम एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या होता है? आपका सिंगल सेल होता है, मतलब उसमें स्पर्म और एग, स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम, एग में भी 23 क्रोमोसोम, तो दोनों मिलते हैं तो एम्ब्रियो या जाइगोट बन जाता है जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो एक सेल होता है, ठीक है। इन 9 महीनों में एम्ब्रियोलॉजी आल्सो स्टडीज अबाउट कंजेनिटल डिसऑर्डर्स दैट अकर्स बिफोर बर्थ।
तो टेराटोलॉजी, टेराटोलॉजी बोलते हैं कि बर्थ से पहले बच्चे में डेवलपमेंट के दौरान, फीटस की डेवलपमेंट के दौरान जो डिजीज होती है उनको हम कंजेनिटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, और ये बिफोर बर्थ जो होती है ये टेराटोलॉजी भी इसको बोलते होते हैं। ठीक है, तो अब देखें एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन में सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने कहा स्पर्म प्लस एग ये मिलते हैं तो जायगोट बनता है। अब ये स्पर्म और एग का मिलना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये जो जायगोट बना है, जायगोट एम्ब्रियो में तब्दील होगा, फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है फीटस में। अब ये बेसिकली ये फर्टिलाइजेशन होती कैसे है, ये स्पर्म और एग कैसे मिलते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन बेसिकली होती कैसे है, कैसे जो है ना वो मेल जो है ना स्पर्म्स को एजुकुलेट करता है, रिलीज करता है फीमेल के अंदर, और कैसे फीमेल में स्पर्म जो है ना एग्स के पास जाता है, और कैसे फर्टिलाइजेशन होती है। तो फिगर ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स इन द एम्पोला ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट और एम्ब्रियो, दिस एम्ब्रियो अंडरगोस प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो आपका क्वेश्चन होगा सर ये एम्पोला क्या होता है, तो ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, अभी हम नोट पे पढ़ने लगे हैं तो एम्पोला आपको पता चल जाएगा क्या होता है। देखें अब फर्टिलाइजेशन समझने के लिए पहले आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की एनाटॉमी आनी चाहिए कि उसकी एनाटॉमी क्या होती है, क्योंकि ये बड़ी इसमें काम आती है समझने के दौरान। तो देखें सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सबसे पहले आप देखें विजैना होती है। ठीक है, अब विजैना के बाद आपका जो पार्ट स्टार्ट होता है ये वाला सारा, ये वाला विजैना के बाद स्टार्ट होता है आपकी यूट्रस। क्या स्टार्ट होती है? यूट्रस। अब यूट्रस के मजीद तीन हिस्से होते हैं, कौन कौन से? पहला उसका हिस्सा होता है भाई सर्विक्स, सर्विक्स, फिर होता है बॉडी ऑफ यूट्रस, ये सारी बॉडी ऑफ यूट्रस, फिर होता है फंडस, यूट्राइन फंडस, ये वाली, ये होती है यूट्राइन फंडस। अब देखें सबसे पहले ये विजैना, फिर सर्विक्स, सर्विक्स जो है ना विजैना और यूट्रस को मिलाती है, फिर यूट्रस की बॉडी ऑफ द यूट्रस, ठीक है, जिसके अंदर आपके बच्चे की जो है ना वो इम्प्लांटेशन होती है और बच्चा ग्रो करता है, ये आगे बताता हूँ। फिर उसके बाद यूट्रस का तीसरा हिस्सा फंडस ऑफ द यूट्रस, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके यूट्रस के दोनों तरफ, राइट साइड, लेफ्ट साइड की तरफ भी, राइट साइड की तरफ भी, ये सिलेंडर नुमा ट्यूब्स निकलती हैं, इन ट्यूब्स को बोलते हैं फलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फलोपियन ट्यूब। अब फलोपियन ट्यूब के आखिरी हिस्से पर जब ये इसका एंड आ जाता है तो फलोपियन ट्यूब के एंड के ऊपर एक डायलेटेड सा रीजन होता है, ये देखें ये थोड़ा खुला हुआ रीजन है, थोड़ा डायलेटेड सी ट्यूब, ट्यूब थोड़ी डायलेट होती है, यहाँ पर थोड़ी सी डायलेट होती है, जहां पर ट्यूब डायलेट होती है इस चीज को हम बोलते हैं एम्पोला। ये अभी ऊपर हमने देखा एम्पोला, तो ये एम्पोला, तो इधर भी ये क्या होता है, ये वाला डायलेटेड हिस्सा, ये भी क्या होता है? एम्पोला, दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद एम्पोला के बाद जब एम्पोला खत्म होता है तो उसके नीचे, एम्पोला के नीचे ये आपकी फलोपियन ट्यूब के अंदर इस तरह फिंगर लाइक इस तरह प्रोजेक्शन लगी होती है, इस तरह फिंगर लाइक धागा नुमाए से साखते लगी होती है, यहाँ पर एंड पर, एंड ऑफ द फलोपियन ट्यूब, ये जो प्रोजेक्शन लगी होती है इन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, ये जो फिंगर नुमा होती है इनको बोलते हैं फिम्ब्राई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई। ये इधर भी होती है और इधर दोनों तरफ फिम्ब्राई होती है। अब फिम्ब्राई के बाद फिर आपकी होती है ओवरीज, दो ओवरीज, लेफ्ट साइड की तरफ भी, राइट साइड की तरफ भी, तो दोनों क्या होती है आपकी, इधर भी क्या होती है? ओवरीज होती है, ये भी ओवरी होगी, ये भी ओवरी होगी। फिर नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट आपका होता है ओवरियन लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ ओवरी, ये वाला वाइट वाला, ये वाला लिगामेंट ऑफ ओवरी, जो कि ओवरी को यूट्रस के साथ कनेक्ट रखता है और उसको सपोर्ट देता है, ओवरी को यूट्रस की जो वाल होती है, यूट्रस की जो वाल होती है उसके साथ कनेक्ट करता है और इसको सपोर्ट देता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज वो क्या है, वो है कि आपकी जो यूट्रस होती है ना, यूट्रस की तीन जो बॉडी ऑफ यूट्रस होती है तो उसकी तीन लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम, क्या होती है? एंडोमेट्रियम। जो दरमियान वाली होती है वो होती है मायोमेट्रियम, और जो बिल्कुल बाहर वाली होती है वो होती है पेरीमेट्रियम। वो क्या होती है? पेरीमेट्रियम। ये मैंने आपको डायग्राम के ऊपर समझा दिया, रिपीट करना है इसको एनाटॉमी को, बताया मुझे, ये समझ आ गई है? क्लियर है। चले जी, क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। अब इनको जरा डिटेल में देखते हैं। ये देखें द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंक्लूड्स विजाइना,
यूट्रस, यूट्रस के तीन पार्ट्स होते हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस, फंडस ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स, फिर फलोपियन ट्यूब होती है, फिर एम्पोला ऑफ फलोपियन ट्यूब, फिर फेम्बराई, फिर ओवरी, फिर लिगामेंट ऑफ ओवरी या ओवरियन लिगामेंट। अब देखें डिटेल में पढ़ते हैं, अब फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, अब एनाटॉमी समझ आ गई है भाई। अब फर्टिलाइजेशन बेसिकली कैसे होती है, जरा जरा आगे डिटेल में जाते हैं। विजाइना, अब विजाइना क्या होती है भाई, मस्कुलर ट्यूब होती है, मसल्स की बनी हुई एक ट्यूब होती है, लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। इसकी जो लाइनिंग होती है, आपके विजाइना की जो लाइनिंग होती है, ये मसल्स की बनी हुई होती है, और इसकी जो लाइनिंग होती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है अंदर की तरफ, ठीक है। एंड इज लोअर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट कनेक्ट्स द सर्विक्स टू द एक्सटीरियर। तो आपको पता है कि विजाइना जो है ना लोअर पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, और ये सर्विक्स को एक्सटीरियर से क्या करती है, कनेक्ट करती है। सिंपल से, अब इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, अब इसका काम ये होता है कि इट रिसीव्स सीमन दैट इज इजेकुलेटेड फ्रॉम पेनिस इनटू द अपर पार्ट ऑफ विजाइना, एंड दिस स्पर्म कंटेनिंग सीमन मस्ट पास फ्रॉम विजाइना टू सर्विक्स एंड फ्रॉम सर्विक्स टू यूट्रस एंड फाइनली इन द फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइज द एग। अच्छा होता क्या है, अब वो कहता है इसका काम क्या होता है विजाइना का, वो कहता है विजाइना का काम, मैं इसको साफ कर देता हूँ सारे को, एक सेकेंड। विजाइना क्या होता है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइन की होती है, और ये सर्विक्स को कनेक्ट करती है एक्सटीरियर से। अब वो कहता है पीनस जो है ना यहाँ पर अपर रीजन पर, विजाइना के अपर रीजन पर यहाँ पर स्पर्म रिलीज करता है, सीमन रिलीज करता है, सेमन रिलीज करता है। अब सेमन या फिर स्पर्म जब वो यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद ये स्पर्म सर्विक्स में जाते हैं, सर्विक्स में जाने के बाद ये फिर कहाँ जाते हैं, आपके यूट्रस में जाते हैं, यूट्रस में जाने के बाद फिर ये इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं फलोपियन ट्यूब में, और फलोपियन ट्यूब से होते हुए ये एम्पोला जो है ना, ये एम्पोला के पास जाकर यहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये बात वो उसने यहां पर की है कि जो पीनस है वो इजेकुलेटेड करते अपर पार्ट ऑफ विजाइना, एंड दिस स्पर्म कंटेनिंग सीमन सेमन मस्ट पास फ्रॉम विजाइना टू सर्विक्स एंड फ्रॉम सर्विक्स टू यूट्रस एंड फाइनली इन द फलोपियन ट्यूब टू फर्टिलाइज द एग, ठीक है। क्योंकि एग, एग की फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है भाई, एम्पोला पे होती है, यह हमने ऊपर पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू आती है कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स इन द एम्पोला फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये कहां पे होती है, एम्पोला में होती है, यहां पर स्पर्म आ जाते हैं और इधर ओवरी से एग आ जाते हैं, फिर इनकी रिप्रोडक्शन होती है, और वो कैसी होती है अभी हम डिटेल में इसको देखते हैं ऐसा ऐसा आगे जाके, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आपका क्या होता है, यूट्रस। अब वो कहते हैं यूट्रस इज द हॉलो मस्कुलर पेयर, पेयर शेप्ड होता है, ये कैसे शेप्ड होता है, ये ऐसे होता है ना पेयर शेप्ड, ये ऐसे पेयर शेप्ड होता है आपका, क्या आपका पेयर शेप्ड होता है यूट्रस, ठीक है। अच्छा शेप्ड ऑर्गन जिसको हम वोम भी बोलते हैं, यानी बच्चेदानी, दैट इज अबाउट 3 inches और 7.5 centimeter, इसका जो साइज होता है वो इतना होता है, लोकेटेड इन द फीमेल पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम, और ये रेक्टम और ब्लैडर के बीच में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। यूट्रस हैज 3 parts, पहला सर्विक्स, lower third part of uterus is called cervix, it is a small neck shaped canal lined with mucous membrane and connects the uterus with the vagina. तो ये जो है ना lower third part है, ये body middle third part, ये upper third part, ये lower third part, और ये neck shaped होता है, ये देखें ये बिल्कुल neck shaped होता है, और ये uterus को vagina के साथ connect करता है, और ये भी muscular होता है, और ये भी कैसे line होता है, mucus से line किया होता है, ठीक है। उसके बाद आपका फंडस, फंडस इज द टॉप पार्ट ऑफ यूट्रस, आसान सा है, बॉडी ऑफ द यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस इज द मेन पार्ट ऑफ यूट्रस दैट इंक्लूड्स यूट्राइन कैविटी, तो इसमें क्या होती है, सारी यूट्राइन कैविटी होती है, ये वाली सारी, तो ये इसकी क्या होती है, यूट्राइन कैविटी होती है, ठीक है भाई। दिस इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन एग इम्प्लांट्स, जब एग पहले फर्टिलाइज होता है, एग के साथ स्पर्म मिलता है, जब वो जायगोट बन जाता है या फिर उसको फर्टिलाइज एग बोलते हैं, तो वो फर्टिलाइज एग वापस आता है वहां से, यहां से फिर वापस आता है, यहां पर इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन कैसी होती है वो हम देखते हैं डिटेल में आगे। तो यहां से फिर फर्टिलाइज एग या जायगोट वापस यहां मूव करता है, और यहां पे आके इसकी इम्प्लांटेशन होती है, यहां पर वो लगता है प्लेसेंटा के जरिए, और यहां पर बच्चे की मजीद डेवलपमेंट होती है, ठीक है भाई। अब यूट्रस हैज 3 layers, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। अब द इनर लेयर दैट हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कहां पे होती है, एंडोमेट्रियम के ऊपर होती है, जो इनर लेयर होती है, ठीक है, फर्टिलाइज एग की या फिर जायगोट की या एम्ब्रियो की। एंडोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स दैट मेक सेक्रेशन,
तो एंडोमेट्रियम के ऊपर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो सेक्रेशन सेक्रेट करते हैं, बस आप इतना याद कर लें। इसको डिटेल में हम जो है ना वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे तीनों लेयर्स। मायोमेट्रियम मिडल एंड थिकेस्ट लेयर होती है एंड मोस्टली मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। पेरिकार्डियम आउटर सीरस लेयर होती है, ठीक है। अब फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब क्या होती है, अ पेयर ऑफ लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब्स होती है, वन ऑन ईच साइड ऑफ यूट्रस दैट कनेक्ट्स द ओवरीज टू द यूट्रस। अब एग्स कम्स फ्रॉम ओवरीज टू फलोपियन ट्यूब एंड इनटू यूट्रस। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एग जो है ना ये ओवरी से कहाँ आता है, फलोपियन ट्यूब में, फिर इसी फलोपियन ट्यूब के जरिए आपके यूट्रस में आ जाता है। जब वो फलोपियन ट्यूब में आएगा यहाँ पर फर्टिलाइज होगा, फिर यहाँ पर फर्टिलाइज होने के बाद वो फिर यहाँ पर यूट्रस में आ जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। और ये दोनों तरफ होती है, राइट साइड की तरफ भी और लेफ्ट साइड की तरफ भी। ये आपकी क्या होती है, फलोपियन ट्यूब होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, एम्पोला, द लेटर रीजन ऑफ फलोपियन ट्यूब एंड इट इज साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर स्पर्म फ्यूजेस विद एग। तो एम्पोला वो साइड होती है, ये वाला जो डायलेटेड रीजन है, इधर से स्पर्म आता है जो जहां पर रिलीज हुआ था, और इधर ओवरी से एग आता है। दोनों यहां पे पहुंचते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। यहां से फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर इस तरफ मूव करता है फर्टिलाइज एग, और यहां पे आके जो है ना इम्प्लांट होता है, ठीक है। चले जी, फेम्बराई। अब फेम्बराई का काम क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लोकेटेड एट द ओवरियन एंड ऑफ फलोपियन ट्यूब एंड क्लोजेस्ट टू ovaries during ovulation, movement of these fembrae assist in directing the ovum to the ampulla from ovaries and then fertilization। अच्छा ये क्या कहता है, वो कहता है भाई ये होती हैं finger like projection। चलें जी आपको समझ आ गया। वो कहता है finger like projection fallopian tube के end पे होती हैं, लेकिन fallopian tube के दो end हैं, एक ये वाला end जो ovary के करीब है, एक ये वाला end जो uterus के करीब है। वो कहता है कौन से एंड पे होती है, वो कहता है जो ओवरी वाला एंड है उस एंड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। वो कहता है इनका काम क्या है, जी काम ये है कि जब ओवरी में ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन का मतलब है जब ओवरी में एग बन जाएगा और ओवरी से एग ने रिलीज होना है, रिलीज होकर एग ने कहां आना है, एम्पोला में आना है, ताकि वहां पर जो स्पर्म आया हुआ है उसके साथ फर्टिलाइजेशन हो। तो ये जो एग है जब ड्यूरिंग ओवुलेशन जब ये बाहर आने लगता है, तो ये आपके फेम्बराई ऐसे जैसे ऊपर से कोई चीज मूव करती है ऐसे, तो ये मूवमेंट करती है और इसको यहां से सक कर लेता है, एग को यहां से सक कर लेता है, उठा लेता है ऊपर की तरफ, और उठा के इसको एम्पोला की तरफ भेज देता है। ये फेम्बराई का काम होता है, समझ आ गई है भाई। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका ओवरी। ओवरी क्या होता है, अ पेयर ऑफ स्मॉल ओवल शेप ग्लैंड्स। तो ये ओवल शेप ग्लैंड्स होते हैं, या फिर इनको हम ओवरीज भी बोलते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ यूट्रस, एक राइट साइड की तरफ एक लेफ्ट साइड की तरफ, विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं ओवरीज आपके। ओवरीज प्रोड्यूस एंड स्टोर एग्स और ओव्यूम, तो एग्स को ओव्यूम भी बोलते हैं। ओवरीज का काम क्या है कि ओवरीज के अंदर एग बनते भी हैं और स्टोर भी होते हैं। एंड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन वन ऑफ द ओवरीज रिलीजेस एन एग, और जब ओव्यूलेशन होगी तो दोनों ओवरीज एग रिलीज नहीं करेंगी, ये बड़ी बात है, देख लें। जब ओव्यूलेशन होगी तो ऐसा नहीं है कि ये ओवरी भी एक एग रिलीज कर दे, ये ओवरी भी एक एग रिलीज कर दे, नहीं, दोनों में से एक ओवरी एग रिलीज करेगी और सिर्फ एक ही एग रिलीज करेगी, ठीक है। जो ओवरी भी एग रिलीज करेगी एक ही एग रिलीज करेगी, दैट इज गोइंग टू बी फर्टिलाइज्ड इन एम्पोला। तो एम्पोला में ओव्यूलेट करेगी, मतलब वहां पर रिलीज करेगी, तो रिलीज करेगी वहां पर, तो वहां पर स्पर्म आया हुआ होगा, तो वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। नेक्स्ट है एनाटॉमी में लिगामेंट ऑफ ओवरी, लिगामेंट ऑफ ओवरी। अब Also called proper ovarian or utero ovarian ligament. तो इसका second name है ये, ठीक है। इसको utero ovarian ligament क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ovary को ligament, ये ligament होता है जो ovary को uterus की wall के साथ connect करता है, इसलिए इसको utero ovarian ligament या फिर proper ovarian ligament भी बोलते हैं, क्योंकि ये ovary को support देता है। It is a fibrous ligament that connects the ovaries to the lateral surface of uterus. तो uterus की lateral surface साथ ये connect करता है। तो ये थी उसकी सिर्फ anatomy. ये उसकी क्या थी, सिर्फ एनाटॉमी थी। अब उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, अब हम एक चीज देखते हैं कि हमने क्या कहा, मैंने दो चीजें कही, दो चीजें कौन कौन सी भला, एनाटॉमी आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने कहा कि ओवरीज में एग बनता है, एग बनने के बाद रिलीज होके एम्पोला में आ जाता है, एक बात मैंने ये कही। दूसरी बात मैंने कहा कि स्पर्म जो पीनस होता है वो स्पर्म को अपर पार्ट ऑफ विजेना यहाँ पर रिलीज करता है,
फिर स्पर्म यहाँ से मूव करता हुआ इधर पहुंचता है और यहाँ पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। पर ये कहना तो आसान है, ये मैंने दो बातें कही हैं, ये कहना तो आसान है, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन पूछें कि सर जी ये प्रोडक्शन कैसे होती है, ये एग्स की प्रोडक्शन कैसे होती है और एग्स की ओवल्यूशन कैसे होती है, एग यहाँ पर कैसे मूव करता है। दूसरी चीज सर जी, ये यहां तक पहुंच चुके हैं स्पर्म, रिलीज हो चुके हैं, समझ आता है, यहां से आके स्पर्म मूव कैसे करते हैं, खुद ब खुद उनकी टांगे होती हैं वो चलना शुरू कर देते हैं, उनको पता होता है कि हमने यहां जाना है, या फिर क्या चीज होती है जो उनको गाइड करके यहां तक लेके आती है और ये कैसे मूव करते हैं, अब हम ये देखने लगे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब हम इधर से एग क्रिएट होगा, एग को प्रोड्यूस कराएंगे और एग को रिलीज करके यहां पे ले आएंगे, फिर इधर स्पर्म रिलीज कराएंगे, फिर स्पर्म को यहां रिलीज करने के बाद मूव करा के यहां पे ले आएंगे, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। तो हम पहली चीज देखते हैं कौन सी, कि हाउ एग्स आर प्रोड्यूस, हाउ दे आर बीइंग स्टोर्ड एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी रिलीज। तो पहले ये देखते हैं आज हम, फिर हम कल देखेंगे कि स्पर्म मूव कैसे करते हैं। ठीक है, समझ आ गया भाई। चलें जी, अब देखें ओजेनेसिस। ओजेनेसिस होती है डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ एन ओव्यूम और एग इन ओवरीज। ओवरी के अंदर जो एग की प्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड ओजेनेसिस, उसको हम ओजेनेसिस बोलते होते हैं। अब इस डायग्राम में आप लोग गौर से देखें कि वो प्रोडक्शन कैसे होती है। देखें सबसे पहले जब एक फीमेल प्रेग्नेंट है, फीमेल क्या है, चले ये मैं डायग्राम बना दूं, फीमेल है बड़ी, ठीक है, फीमेल जो है ना बेचारी वो प्रेग्नेंट है बेचारी, तो ये प्रेग्नेंट है, तो ये इधर इसका बच्चा है और जो बच्चा है वो फीमेल है, जो फीटस है वो फीमेल फीटस है, फीटस कौन सा है, फीमेल फीटस है। अब जब एक फीमेल जो है ना प्रेग्नेंट होती है, मदर होती है, प्रेग्नेंट है, तो उसका जो उसके अंदर जो देखें उसके अंदर जो उसके अंदर जब प्रेग्नेंट कब होगी, प्रेग्नेंट कब होगी वो, जब स्पर्म और एग मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, फिर उसकी इम्प्लांटेशन होगी, एम्ब्रियो बनेगा। तो वो जो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट हो रही है, वो जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, अगर वो जो एम्ब्रियो है वो फीमेल फीटस है, वो क्या है, फीमेल फीटस है, तो एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, एम्ब्रियो के कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, उन उस एम्ब्रियो के स्टेम सेल्स होते हैं, उन स्टेम सेल्स का नाम होता है प्रीमोल्डियल जर्म सेल्स, प्रीमोल्डियल जर्म सेल्स, उन स्टेम सेल्स को क्या बोलते हैं, प्रीमोल्डियल जर्म सेल्स। अब ये जो प्रीमोल्डियल जर्म सेल्स होते हैं, ये वाले ये होते स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स का क्या मतलब है कि ये डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट सेल्स बना सकते हैं, लेकिन ये मखसूस स्टेम सेल्स होते हैं, प्रीमोल्डियल जर्म सेल्स मखसूस स्टेम सेल्स होते हैं। अब अगर जो एम्ब्रियो है वो फीमेल फीटस का है, तो ये प्रीमोल्डियल जर्म सेल्स जो कि स्टेम सेल्स हैं, ये डिफरेंशिएट होकर क्या बना देंगे, एग बना देंगे। क्यों? क्योंकि फीमेल फीटस है। अगर ये मेल फीटस हो, जो बच्चा है वो मेल है, तो ये प्रीमोल्डियल जर्म सेल्स जो कि स्टेम सेल्स हैं, ये डिफरेंशिएट होकर स्पर्म बना देते हैं। तो प्रीमोल्डियल जर्म सेल्स समझ आ गए हैं कि ये एम्ब्रियो के स्टेम सेल्स होते हैं, जो अगर फीमेल हो तो डिफरेंशिएट होकर एग बना देते हैं, और अगर मेल फीटस हो तो डिफरेंशिएट होकर स्पर्म बना देते हैं। समझ आ गया भाई समझ आ गया है प्रीमोल्डियल जर्म सेल्स, के रिपीट करना है बताएं मुझे, मैंने आगे बढ़ना है बताएं मुझे। कोई नहीं बैठा, कोई नहीं सुन रहा लेक्चर, चले डॉक्टर नदीम को समझ आया बस, चले आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। प्रीमोल्डियल जर्म सेल्स, अब प्रीमोल्डियल जो जर्म सेल्स हैं, क्योंकि हम ओजेनेसिस की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ एग, तो मतलब जो मदर प्रेग्नेंट है उसका जो बच्चा है, जो फीटस है, वो कौन सा है, मेल है कि फीमेल है, ऑफ कोर्स फीमेल है, क्योंकि हम अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम मदर की बात नहीं कर रहे भाई, अब हम बात कर रहे हैं मदर के पेट के अंदर जो फीमेल फीटस है, जो फीमेल फीटस है, अब हम उस फीमेल फीटस के बारे में बात कर रहे हैं। हम कहते हैं फीमेल फीटस को जो एम्ब्रियोलॉजी के जो प्रीमोल्डियल जर्म सेल्स हैं, उनमें होती है माइटोसिस। क्या होती है? माइटोसिस। अब मैं ये बताने लगा हूं कि मैंने अभी कहा है ना कि अगर फीमेल फीटस हो तो प्रीमोल्डियल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट होकर एग बना देते हैं, तो वो एग कैसे बनाते हैं हम ये पढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो प्रीमोल्डियल जर्म सेल्स होते हैं डिवाइड, बार बार डिवाइड होते हैं, मतलब उनमें होती है माइटोसिस। तो माइटोसिस होने के बाद बन जाता है ओगोनियम। क्या बन जाती है? एक 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 चीज बन जाती है, उसको हम बोलते हैं
ओगोनियम। अब जो प्रीमोर्टल जर्म सेल्स होते हैं ये 2N होते हैं, मतलब डिप्लाइड होते हैं, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, ठीक है। और एग में कितने होते हैं 23, तो हम लोग देखेंगे कि 46 से 23 कैसे बनते हैं, ठीक है। तो प्रीमोर्टल जर्म सेल्स में होती है माइटोसिस, जब इसमें माइटोसिस होती है तो आपका क्या बन जाता है, ओगोनियम, ये स्ट्रक्चर बन जाती है। कौन सी स्ट्रक्चर बन जाती है, ओगोनियम स्ट्रक्चर, जो कि 2N होती है, डिप्लाइड होती है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम, प्रीमोर्टल जर्म सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम। अब ये ओगोनियम जो है ना, ये एक नहीं बनते, ये बहुत से बनते हैं, ये भी 2N ओगोनियम, ये भी मैनी ओगोनिया, ओगोनियम वाइद, ओगोनिया जमा, तो बहुत से ओगोनिया बन जाते हैं, मैनी ओगोनियम। यहां तक समझ आ गई चीज। अब आगे, अभी बच्चा जो है ना माँ के पेट के अंदर है, अभी माँ के पेट के अंदर बच्चा जो है ना वो उसकी ग्रोथ हो रही है, उधर ही है वो, तो इस मैनी ओगोनिया में एक बार फिर माइटोसिस होती है। अब ये 2N है, ठीक है, डिप्लाइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है। अब इसमें फिर से माइटोसिस होगी, जब माइटोसिस होगी जो अगली स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ओसाइट। अच्छा, अब ये प्राइमरी ओसाइट भी क्या है, 2N है, डिप्लाइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है। और याद रखें बच्चा अभी भी माँ के पेट के अंदर है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है। अब प्राइमरी ओसाइट बन गया जो कि 2N है, डिप्लाइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है। अब क्या होगा, अब प्राइमरी ओसाइट, अभी भी बच्चा माँ के पेट के अंदर है, अब प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, मियोसिस 1। आपको पता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो होती है, तो अब प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी। मियोसिस 1 आपको पता है, फिर मियोसिस के चार फेज होते हैं, मियोसिस या माइटोसिस हो। अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस के दो फेज होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, फिर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के मजीद चार फेज होते हैं। फार्मूला है, फार्मूले को खैर छोड़ दें, प्रोफेज 1, ठीक है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1, ये मियोसिस 1 के चार फेज हैं। अगर मियोसिस 2 हो तो फिर प्रोफेज 2, मियोसिस 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। अगर आपने बात करनी है इसकी, अगर आपने बात करनी है कि डॉक्टर नदीम, वो हम बात करते हैं डॉक्टर नदीम, अभी हम वो मंथ पे जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ मंथ पे हम जाएंगे, अभी ये बस अभी इतना देख लें जितना मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर नदीम आपका जो है ना कैमरा भी खुला हुआ है, इसको बंद कर दें, कैमरा ऑफ कर दें अपनी वीडियो। चलें, ये हो गया, चलें जी, प्रोफेज 1। अच्छा, इसको याद कैसे करना है फार्मूला भी बता देता हूँ। याद करने का, पहले अंग्रेजों के दौर में ना डिफरेंट चौक पे परमिट हुआ करते थे, परमिट क्या हुआ करते थे, परमिट, जहाँ पे गाड़ियाँ जाती थी वहाँ से एक किस्म की परमिट लेती थी, इजाजत लेती थी, फिर उससे आगे जाती थी। तो परमिट से आपने याद करना है परमार्ट, परमिट से परमार्ट याद करना है आपने। अब पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज और टी से टेलोफेज, तो इस तरह आपने ये चार फेज याद। खैर ये बायोकेमिस्ट्री की चीज़ है, इसको हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, या फिजियो की चीज़ है, हम इसको वहाँ जनरल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी आपने, मैं कहने का मतलब क्या है कि जब प्राइमरी ओसाइट बन गया, फिर प्राइमरी ओसाइट ने, अभी वो बच्चा माँ के पेट के अंदर है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है, उसने मियोसिस 1 स्टार्ट की। अब मियोसिस 1 के चार फेज होंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, लेकिन वो जैसे ही प्रोफेज 1 में इंटर होता है, पहले ही फेज में इंटर होता है कि वहां पर अरेस्ट हो जाता है, वहां पे स्टक हो जाता है, फिर उससे आगे उसकी मियोसिस नहीं होती। अब मियोसिस 1 वहां पर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो अब यहां तक जो बच्चा है वो माँ के पेट के अंदर है, जब फीमेल फीटस माँ के पेट के अंदर होता है यहां तक उसका अमल होता है, बस फिर यहां पर आके रुक जाता है। रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है भाई, रिपीट कर रहा हूं एक बार, कि प्रीमोर्टल जर्म सेल्स में होती है माइटोसिस, तो वो बन जाते हैं ओगोनियम जो कि 2N डिप्लाइड होते हैं, फिर उस ओगोनियम से मैनी ओगोनिया बनते हैं, यानी ये भी 2N डिप्लाइड है। उसके बाद फिर उसमें दोबारा माइटोसिस होती है और वो क्या बन जाते हैं, प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट भी 2N होते हैं, डिप्लाइड होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस 1 स्टार्ट होती है और मियोसिस 1 जाके प्रोफेज 1 में स्टक हो जाती है और यहां पर बस खत्म, यहां पर रुक जाती है। अब बच्चे की आगे डेवलपमेंट होती है 9 महीने में, बच्चे की फिर बर्थ होती है, फिर बच्चे की बर्थ तक लेकर जब फीमेल फीटस पबर्टी में पहुंचती है, जब वो ब्लूगर पे पहुंचती है, जब वो बोलते हैं ना कि नौजवान हो गई है, जब वो नौजवान होती है, पबर्टी में पहुंचती है, तब अगला प्रोसेस शुरू होता है।
उससे पबर्टी से पहले तक यहां तक सब कुछ सीज हो जाता है, यहां पर सब कुछ रुक जाता है कि प्राइमरी ओसाइट बना हुआ है और प्राइमरी ओसाइट जो है ना अरेस्टेड है इन प्रोफेज वन में, प्रोफेज वन में वो रुका हुआ है। अब जब फीमेल फीटस पहुंचती है पबर्टी पे तो क्या होता है, तब ये होता है कि आपकी जो मियोसिस वन रुकी हुई थी प्राइमरी ओसाइट की, वो मियोसिस वन जब पबर्टी पे पहुंचती है तो मियोसिस वन दोबारा स्टार्ट हो जाती है और मियोसिस वन कंप्लीट होती है, कि मियोसिस वन का प्रोफेज वन भी कंप्लीट होता है, मेटाफेज वन भी कंप्लीट होता है, एनाफेज वन भी, टेलोफेज वन भी, सारा कंप्लीट होता है। जब प्राइमरी ओसाइट की मियोसिस वन कंप्लीट हो जाती है तो आपको पता है जब माइटोसिस होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, अगर 46 हो तो 46 रहते हैं, अगर मियोसिस हो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, 46 हो तो 23। ये सिंपल सा कंसेप्ट है एफएससी का, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो अभी आप लोग सुन लें, ठीक है। चले, जब मियोसिस वन कंप्लीट होगी प्राइमरी ओसाइट में, कंप्लीट कब होगी, जब आपकी फीमेल फीटस पबर्टी में पहुंचेगी तब कंप्लीट होती है, उससे पहले कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। जब मियोसिस वन कंप्लीट होगी तो आपकी प्राइमरी ओसाइट चेंज हो जाएगी सेकेंडरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट अब दो चीजों में चेंज होगी, पहले चीज सेकेंडरी ओसाइट में, दूसरी चीज फर्स्ट पोलर बॉडी में। फर्स्ट पोलर बॉडी एक साथ में छोटी सी स्ट्रक्चर बनती है जो कि नॉन फंक्शनल होती है और ये बाद में डिग्रेड हो जाती है, मतलब जाया हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। खैर, अब प्राइमरी ओसाइट की जब पबर्टी के ऊपर मियोसिस वन कंप्लीट हुई तो क्या क्या बना, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी। अब सेकेंडरी ओसाइट 1n होगी के 2n होगी, ऑफ कोर्स ये क्या होगी 1n होगी क्योंकि मियोसिस हुई है, ये अब इंप्लाइड होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होते हैं। अब सेकेंडरी ओसाइट, अब चीज यहां पर रुकेगी नहीं, अब सेकेंडरी ओसाइट में क्या होगी, मियोसिस 2 स्टार्ट होगी, मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, अब मियोसिस 2 स्टार्ट होगी सेकेंडरी ओसाइट में। जब सेकेंडरी ओसाइट में जैसे ही मियोसिस 2 स्टार्ट होती है तो ये सारा मतलब अभी ओवरीज के अंदर हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मियोसिस 2 स्टार्ट होती है तो मियोसिस 2 का प्रोफेज 2 कंप्लीट होता है, प्रोफेज 2 के बाद मेटाफेज 2 आता है, तो ये मेटाफेज 2 के ऊपर आके रेस्ट हो जाती है, यहां पर लॉक होगी, क्लोज होगी, बंद होगी। अब यहां पर ये मेटाफेज 2 के ऊपर क्लोज हो गया, लॉक हो गई है। अब आपकी सेकेंडरी ओसाइट बन चुकी है, लेकिन ये कहां पे बन चुकी है सेकेंडरी ओसाइट, इस ओवरी के अंदर बन चुकी है, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट कहां बन चुकी है, ओवरी के अंदर, और फीमेल फीटस पबर्टी के ऊपर पहुंच चुकी है, यहां पर सेकेंडरी ओसाइट बन गई है, ठीक है। और वो कहां पे स्टक है, मेटाफेज 2 में स्टक है। अब यहां से ये होती है रिलीज, इसकी ओवल्यूशन होती है, ओवल्यूशन होने के बाद ये पहुंचती है यहां पर एम्पोला में। जब ये एम्पोला में पहुंचती है तो फिर ऊपर से क्या आता है आपका, इधर से स्पर्म आता है, और स्पर्म कैसे आता है उसको भी हम पढ़ेंगे बाद में। जब स्पर्म यहां पे आता है और स्पर्म इसको टच करता है, किसको, सेकेंडरी ओसाइट को। जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट को टच करता है तो फिर आपका सेकेंडरी ओसाइट जल्दी से मियोसिस 2 कंप्लीट करता है, जो कि मेटाफेज 2 पे स्टक था, तो वो मेटाफेज 2 भी कंप्लीट करेगा, सॉरी मेटाफेज 2 पे नहीं, बाकी अपना मेटाफेज 2 पे जो स्टक था वो मेटाफेज 2 कंप्लीट करेगा, एनाफेज 2 कंप्लीट करेगा, टेलोफेज 2 कंप्लीट करेगा। तो जैसे ही उसकी मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो सेकेंडरी ओसाइट चेंज हो जाएगी एग में, मैच्योर एग में, किसमें, एग में, इधर से एग बन जाएगा और साथ में दो और पोलर बॉडीज बन जाएंगी, तो ये पोलर बॉडीज डिग्रेड हो जाती हैं और एग बन जाता है, फिर इस एग को आके स्पर्म क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है। तो अगली बात उसने जो लिखी है, ये नीचे वाली उसने ये लिखी है, ये देखें, वो कहता है कि मियोसिस 2 हुई, अरेस्ट हो गई, फिर जब स्पर्म आएगा ऊपर से, जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट को टच करेगा तो मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी, तो ये आपका मैच्योर एब्यूम बन जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट से दो और, एक पहले से पोलर बॉडी बनी हुई थी ये वाली, और दो और बन जाएंगी, तीन पोलर बॉडी तमाम डीजेनरेट हो जाएंगी, ठीक है। इधर से मैच्योर ओव्यूम बन जाएगा, मैच्योर ओव्यूम के साथ न्यूक्लियाई जो है ना वो फ्यूज करेगा, किसका न्यूक्लियाई, स्पर्म का। तो 1n आपका क्या था, एग था, 1n आपका स्पर्म था, तो 2n जायगोट बन गया, तो फिर आपका 2n यानी 46 क्रोमोसोम का आपका बच्चा बन जाता है, इस तरह आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो भाई समझ आ गया कि एग की प्रोडक्शन कैसे होती है, समझ आ गई है कि एग की प्रोडक्शन कैसे होती है, स्टार्ट कब होती है, जब फीमेल फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है मदर के अंदर, ठीक है। तो रीडिंग देख ले एक बार, है रीडिंग करा दूं, चलें। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फीटस इन प्रेग्नेंट वुमेन प्रीमोल्डियल जर्म सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस एंड मल्टीप्लाई टू फॉर्म मेनी स्मॉल डिप्लॉइड 2n ओगोनिया। रिकॉल, प्रीमोल्डियल जर्म सेल्स इज इक्वल टू प्राइमरी अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स, पहले अनडिफरेंशिएटेड होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, दैट कैन बी डिफरेंशिएट इनटू गैमेट्स, डिफरेंशिएट इनटू स्पर्म्स इन मेल्स एंड इनटू एग्स इन फीमेल्स,
ओगोनिया डिवाइड्स बाय मेटोसिस, जहां पे समझ रहे हैं मुझे रोक लीजिएगा, एंड डिफरेंशिएट इनटू डिप्लॉइड टू एंड प्राइमरी ओसाइट दैट अंडरगोस मियोसिस वन एंड अरेस्टेड इन प्रोफेज वन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज. ऑल प्राइमरी ओसाइट्स गेट स्टोर्ड इन फीमेल ओवरीज, तो वो ओवरीज के अंदर स्टोर हो जाते हैं, अभी वो फीमेल फीटस है. After female fetus is born, पैदा होता है and reached at puberty, जब वो puberty पे पहुंचता है, adulthood पे पहुंचता है, primary oocytes completes meiosis 1 and changes into haploid 1 and secondary oocytes with greater cytoplasm. इसका cytoplasm ज्यादा होता है. First polar body with smaller cytoplasm, तो polar body का cytoplasm smaller होता है. Polar body is non-functional, कोई function नहीं होता और ये degraded होनी होती है, degenerate होना होता है. Secondary oocyte. अब जो secondary oocyte बनी है ये वाली, secondary oocytes undergo meiosis 2, get arrested at metaphase 2 and released, ovulation होती है into fallopian tube. Upon entry of sperm into secondary oocyte to fertilize it, the secondary oocyte completes meiosis 2 and changes into mature haploid 1 and ovum or egg and second polar body. तो second polar body भी बन जाती है. अब उधर से sperm आएगा, sperm fertilizes the mature ovum or egg and form the diploid 2 and zygote. ठीक है, तो note, if sperm does not come to fertilize and देखें वहां से secondary oocyte तो release हो गई है, यहां से है ना, secondary oocyte बनी यहां से ओवरी में और ये रिलीज होकर कहां पहुंच गई है, फलोपियन ट्यूब पे. अब ये वेट किसका कर रही है कि स्पर्म आए और सेकेंडरी ओसाइट एग में चेंज हो, फिर एग को स्पर्म आके फर्टिलाइज करे, फिर ये यहां पे जाके इम्प्लांट हो. लेकिन अगर स्पर्म नहीं आता यहां से तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है क्या ये एग में चेंज होगा, नहीं. वो चेंज कैसे होता है वो भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्या फंक्शन होता है वो भी हम डिटेल में पढ़ते हैं. लेकिन अगर स्पर्म नहीं आएगा तो क्या एग बनेगा सेकेंडरी ओसाइट, नहीं. सेकेंडरी ओसाइट यहां से फिर डी जनरेट होकर जाय होकर मेंसिस के जरिए बाहर रिलीज हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग कहां पे थे, हाँ, सेकेंडरी ओसाइट डिग्रेड्स एंड इज रीच्ड रिलीज्ड आउट ऑफ फीमेल बॉडी वी हैव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विदाउट कंप्लीटिंग मियोसिस. तो वो मियोसिस 2 के दौरान स्टक था, तो मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं करेगा, रिलीज हो जाएगा. अब हमने कहा कि ये रिलीज होता है, कि हमने कहा कि ये जब बन गया तो रिलीज होके ओवुलेशन होके कहां पहुंच जाता है, एम्ब्रियो में. अब बनने के बाद, सेकेंडरी ओसाइट बनने के बाद ये जो रिलीज होता है ये कैसे होता है रिलीज, इसको देखें डिटेल में. तो ये आपकी ओवरी है ये सारी, और ओवरी के अंदर ये सारे क्या पड़े हुए हैं, प्राइमरी फोलिकल्स. प्राइमरी फोलिकल्स मतलब ये थैलियां होती हैं, इन थैलियों के अंदर क्या पड़े होते हैं, प्राइमरी ओसाइट पड़े होते हैं. प्राइमरी ओसाइट क्या होते हैं, 2n होते हैं. ठीक है, प्राइमरी ओसाइट 2n पड़े होते हैं. अब प्राइमरी ओसाइट पड़े होते हैं जो के प्रोफेज 1 में स्टक होते हैं, प्रोफेज 1 में अरेस्टेड होते हैं. ठीक है, ये पड़े हुए हैं सारे. जब फीमेल फीटस जो है ना वो पुबर्टी में पहुंचेगी तब क्या होगा, तब आपके जो प्राइमरी फोलिकल्स हैं, प्राइमरी फोलिकल्स देखें, जो प्राइमरी फोलिकल, ये एक प्राइमरी फोलिकल मैंने बाहर निकाल लिया, तो ऊपर से आपका जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, कौन से, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है. क्या रिलीज होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जब फीमेल फीटस पबल्टी पे पहुंचती है, कहां पहुंचती है, पबल्टी पे, तो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके आपके ओवरी पे एक्ट करता है. ओवरी पे एक्ट करने का मतलब है कि जो प्राइमरी फोलिकल्स हैं जो कि स्टक हो गए हैं प्रोफेज 1 में, उसके ऊपर एक्ट करता है और उनको बोलता है आप अपना प्रोफेज 1 कंप्लीट करो. वो प्रोफेज 1 कंप्लीट करना शुरू हो जाते हैं और इधर से वो प्राइमरी फोलिकल्स की ग्रोथ कराता है. उसकी क्या कराता है, ग्रोथ कराता है. फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब वो फोलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कि आप अपनी ग्रोथ मुकम्मल करें. अब इधर से प्राइमरी फोलिकल जैसे ही अपनी ग्रोथ मुकम्मल कर लेगा, अब ये देखें, ये ग्रोइंग फोलिकल है, ये देखें उसके नंबर ऑफ सेल्स ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये ग्रोइंग फोलिकल है ड्यू टू फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जैसे ही आपका प्राइमरी फोलिकल अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर लेगा, अब इसको बोलते हैं सेकेंडरी फोलिकल, या फिर इसको मैच्योर ग्राफियन फोलिकल बोलते हैं, या बोलते हैं सेकेंडरी फोलिकल या फिर मैच्योर ग्राफियन फोलिकल. जैसे ही इधर से ये अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर लेगा, उधर से जो आपका प्राइमरी ओसाइट था उसकी प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाएगी, जिसको किसने स्टिमुलेट किया था, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने. तो जैसे ही इधर से प्राइमरी फोलिकल की ग्रोथ कंप्लीट हुई तो मैच्योर ग्राफियन फोलिकल या फिर सेकेंडरी फोलिकल बन गया. उधर से प्राइमरी ओसाइट ने प्रोफेज 1 कंप्लीट कर लिया तो वो 1n सेकेंडरी ओसाइट बन गया. तो अब क्या बन गया, एक तो ऊपर से सेकेंडरी फोलिकल बन गया, उसके अंदर जो प्राइमरी ओसाइट थे वो भी क्या बन गए, सेकेंडरी ओसाइट्स बन गए. तो अब सेकेंडरी फोलिकल्स कंटेनिंग सेकेंडरी ओसाइट्स, अब क्या होगा,
अब एक और चीज होती है यहां पर एक और चीज होती है कि आपके ओवरीज से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? एस्ट्रोजन। जब ओवरीज से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, पहली चीज ये, और दूसरी चीज गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, आपके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन रिलीज होता है, ये दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन और गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक और हार्मोन रिलीज कराते हैं। इन दोनों का लेवल बढ़ने की वजह से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है ओवल्यूशन कराना। क्या कराना? ओवल्यूशन कराना। अब ये ओवल्यूशन कैसे कराता है? ओवल्यूशन ये इस तरह कराता है कि आपके जो सेकेंडरी फोलिकल है या फिर ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फोलिकल है उसको रप्चर कराएगा। उसको यहां से क्या कराएगा? रप्चर, उसको तोड़ेगा। जैसे वो यहां से टूटेगा, उसकी टूट फूट होगी, जैसे ही उसके यहां से टूटेगा तो अंदर क्या पड़ा हुआ है? सेकेंडरी ओवोसाइट जो कि मियासिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, स्टक है। इधर से आपके फलोपियन ट्यूब के ऊपर क्या लगे होंगे? फेम्बराई लगे होंगे। जैसे ही ये यहां से रप्चर होगा, फेम्बराई इस सेकेंडरी ओवोसाइट को पकड़ेगा, ऐसे ही हिलाएगा और इनको सक कर लेगा, खींच कर कहां खींच लेगा आपको? इसको फलोपियन ट्यूब के एम्पोला में खींच लेगा। तो ये एम्पोला में आ जाएगा और यहां पर इसकी क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो ओवल्यूशन समझ आ गई है और एग की प्रोडक्शन कैसे होती है और वहां से कैसे बाहर निकलता है। देखें, प्राइमरी फोलिकल्स इन ओवरीज कंटेनिंग प्राइमरी ओवोसाइट्स ग्रो टू बिकम मैच्योर फोलिकल्स ड्यू टू एक्शन ऑफ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएंगे, प्राइमरी फोलिकल्स के ऊपर एक्ट करेंगे और प्राइमरी फोलिकल्स को सेकेंडरी फोलिकल्स में चेंज कर देंगे और प्राइमरी फोलिकल्स के अंदर जो प्राइमरी ओवोसाइट्स हैं उनको बोलेंगे आप प्रोफेज 1 कंप्लीट करें और अब सेकेंडरी ओवोसाइट्स में चेंज हो जाए, यानी 1 एंड सेकेंडरी ओवोसाइट्स में। तो सेकेंडरी फोलिकल्स के अंदर क्या आ गया? सेकेंडरी ओवोसाइट्स। पहले प्राइमरी फोलिकल्स के अंदर थे प्राइमरी ओवोसाइट्स, अब सेकेंडरी फोलिकल्स के अंदर क्या आ गए? सेकेंडरी ओवोसाइट्स। ठीक है, अब फोलिकल्स क्या बन गए? मैच्योर फोलिकल्स कंटेनिंग सेकेंडरी ओवोसाइट्स अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 आर कॉल्ड ग्राफियन फोलिकल्स आर सेकेंडरी फोलिकल्स। तो सेकेंडरी फोलिकल्स कंटेनिंग सेकेंडरी ओवोसाइट्स। अब जब अच्छा एग रिलीज कब होता है? फीमेल के अंदर एग कब रिलीज होता है? औरत के अंदर जब उसका डे चल रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14-15, जब ये डे होता है ओवुलेशन साइकिल का, तो गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल फ्रॉम ओवरीज, दोनों का लेवल जब बढ़ता है तो ये एक और हार्मोन रिलीज कराते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहां से रिलीज कराते हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है, कौन रिलीज कराता है? गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन का लेवल। देखें, गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा हाइपोथैलेमस से और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा ओवरी से। और कब बढ़ेगा? ओवल्यूशन का जब डे 14-15 चल रहा होगा। जब इन दोनों का लेवल बढ़ेगा तो वो ट्रिगर करेंगे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप रिलीज करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हो जाएगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉजेस रप्चर ऑफ सेकेंडरी मैच्योर फोलिकल जिसके अंदर सेकेंडरी ओवोसाइट होते हैं। तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओवोसाइट्स सील्ड इन मेटाफेज 2। अब ये मेटाफेज 2 में अभी तक सील्ड है, अरेस्टेड है। सो और इसको कौन से ऊपर से फेम्बराई जो है वो मूवमेंट करके खींच लेंगे। सेकेंडरी ओवोसाइट्स कंप्लीट्स मियोसिस 2 अपॉन एंट्री ऑफ स्पर्म, फिर स्पर्म आएगा इनटू सेकेंडरी ओवोसाइट में इंटर होगा एंड चेंज इनटू मैच्योर एव्यूम। तो आपको जो सेकेंडरी ओवोसाइट वो मैच्योर एव्यूम बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म एंड चेंज इनटू डिप्लॉइड 2 एन जायगोट। भाई समझ आ गया है? समझ आ गया है कि यहां से फीमेल के अंदर जो है ना वो एग कैसे बनता है? ओवरी के अंदर एग कैसे बनता है और वो रिलीज होकर फलोपियन ट्यूब में यहां तक कैसे पहुंचता है। अब हम देखते हैं कि स्पर्म यहां से मूव करके कैसे यहां तक आता है। यहां तक एग तो पहुंच गया है जो कि सेकेंडरी ओवोसाइट है। अब सेकेंडरी ओवोसाइट एग कब बनेगा? जब स्पर्म यहां आएगा, इसको टच करेगा, सेकेंडरी ओवोसाइट एग में तब्दील होगा, फिर एग और स्पर्म मिलेंगे, जायगोट बनेगा, फिर जायगोट यहां से वापस आकर इधर इम्प्लांट होगा। ठीक है, काफी है या फिर पढ़े आगे? क्या कहते हैं भाई? स्पर्म की मूवमेंट देखें या फिर सिर्फ क्या कहते हैं भाई? देखें, अगर हम लोग स्पर्म की तरफ जाना बहुत है, चले इनफ है, फिर हम लोग कल देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसे होती है। ठीक है, और फिर जो है ना स्पर्म कैसे मूव कर, पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखेंगे, फिर मूवमेंट ऑफ स्पर्म विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, कैसे वो मूव करके जाता है आपके आपके एग के पास और कैसे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है, तो बाकी इंशाअल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है। कोई सवाल हो, कोई चीज समझ आए तो पूछ ले, अदरवाइज हम क्लास जो है ना वो फिनिश करने लगे। पूछ ले जो कुछ पूछना है। हाँ जी, कुछ नहीं पूछना, सारा क्लियर है। चलें जी, ओके जी, क्लास डिसमिस।